अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं उम्मीद है खैरियत से होंगे आज की वीडियो में यूचएस की जानब से एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है जिसमें एम डी कैट स्टूडेंट को एक और मौका दिया गया है कि वो अपना एम डी कैट जो पेपर हुआ था उसमें जो भी कम्प्लन है वो दर्ज करवा सकते हैं वेदन आ वीक uh, चर, uh, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलते हैं वीडियो की तरफ जो ही ये यू एच एस डॉट ई डी डॉट पी के की वेबसाइट खोलेंगे इसमें पब्लिक नोटिस में एम डी कैट के हवाले से ये नोटिस है इसको ओपन करते हैं ये पब्लिक नोटिस दिया गया है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एम डी कैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसमें कहा गया है कि दिस इज़ फॉर द इंफॉमे ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपेयर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एम डी कैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और नवम्बर थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो अपेयर हुए हैं उनके लिए इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन आफ एम डी कैट इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स यू एच एस वेबसाइट पर मौजूद है सर द डेड लाइन फॉर वॉज बाई सिक्स पी एम ऑन नवंबर थर्टीन जो डेड लाइन थी टेस्ट चैलेंज करने की वो छः बजे शाम तक थी तेरह नवंबर को टू अनालाइज दीज कंप्लेंट्स द यूनिवर्सिटी इंगेज द सर्विस ऑफ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ्राम द वेरियस गवर्नमेंट कॉलेज हु केयरफुली वेल डेट द क्वेश्चन पेपर इन द लाइट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्राम द कैंडिडेट्स एंड इट वॉज

एम 2022 कैट ट्वेंटी टू इनफॉर्मेशन बुक देंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू सबमिट रिप्रजेंट अगेंस्ट दर ग्रेडिंग एंड आंसर की ऑफ द डिक्लेयरिंग ऑफिशियल वेबसाइट एम डी कैट बाई दी एम सी पी एम सी की वेबसाइट पर ये आंसर की ग्रेडिंग की दी जा रही है द कैंडिडेट्स विल एबल टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड्स एट द एम डी कैट 2022@uhs.edu within one week after the displaying of the official result of वन वीक आफ्टर PMC website. ऑफ द ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ़ द टेस्ट ऑफ पी वेबसाइट तो ये एक और मौका दिया जाएगा जब ऑफिशियल रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस किया जाएगा और एक वीक के अंदर अंदर जो है ना कोई भी कंप्लेंट है वो आप दर्जे करवाएँगे नो कम्प्लेंट शैल बी इंटरटेन बिफोर एंड आफ्टर दैट और इससे पहले कोई कम्प्लेंट जो है ना वो इस पर नहीं की इंटरटेन नहीं की जाएगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा इन केस एनी सच एज कैंडिडेट विल बी अपडेटेड ऑन द पी एम सी वेबसाइट और कोई भी आ, कोई भी गलती होगी उसको कैंडिडेट जो है ना अपडेट वेबसाइट पर भेज सकते हैं अपडेट किया जाएगा वेबसाइट पर होगा और स्टूडेंट को कहा गया कि रिज़ल्ट के, के फ़ौर एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी कंप्लेंट जो है ना दर्ज करवाएंगे तो स्टूडेंट को ये अब ये कहा अब स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि वो बजरिया प्रूफ जो है वो ईमेल करें इस पर लाजमी तौर पर क्योंकि कल तक जो है ना दस कंप्लेंट आई आई थी योचस की जानब से तो कल एक स्टूडेंट की शेयर हुई थी सोशल मीडिया पर जाकर उन्होंने स्टूडेंट थी तलबा ने बताया कि सिर्फ दस स्टूडेंट ने जो है ना वो कंप्लेंट की हैं आ, क्योंकि आठ हज़ार साढ़े आठ हज़ार से अबब है अस्सी हज़ार से करीब करीब हैं स्टूडेंट्स पूरे इसमें तो आप लोग ज़्यादा जितनी कंप्लेंट ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है ना वो यू भी इस पर कोई तवज्जो देगी जिस तरह आज दस कंप्लेंट आई हैं इस पर तो कोई तवज्जो नहीं होगी कम अज़ कम पाँच छः हज़ार जो है ना कंप्लेंट होंगी तो फिर ये कुछ ना कुछ करेंगे अदरवाइज़ रिज़ल्ट जैसे ही आएगा वो उसी तरीके से दे देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कंप्लेंट करें और इस ई मेल पर और अपना कुछ एविडेंस भी लाजमी तौर पर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़